गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में, शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध। तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक, पता जावा शोरूम, बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज सागर। उसकी शादी होनी थी, सगाई की रस्में हो गई थी, लेकिन अचानक खबर आई कि उसकी मौत हो गई। जी हां, सागर जिले के केसली के तड़ा के रहने वाले एक शिक्षक की लाश उत्तर प्रदेश के ललितपुर के मेहरोनी इलाके के सजनम बांध में तैरती हुई मिली है। सागर के तड़ा का रहने वाला शिक्षक मयंक जैन की मौत के बाद उसके परिवार में मातम पसर गया है। मयंक जैन टड़ा के रहने वाले थे और दिनेश जैन के बेटे थे। वो ललितपुर जिले के इमलाखेड़ा ग्राम पंचायत के परिषदीय विद्यालय के शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। वह मेहरोनी कस्बे में अपने मामा के साथ उनके मकान में रहा करते थे, लेकिन बीते दो दिन से अचानक वो गायब हो गए। उन्होंने अपने मामा से कहा था कि वह कहीं जा रहे हैं और शाम को घर वापस लौट आएंगे, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटे तो मामा ने इसके खबर मेहरोनी पुलिस को दी। उनकी काफी तलाश की गई, लेकिन शुक्रवार के दिन मेहरोनी पुलिस को यह खबर मिली कि सजनम बांध के पास एक बाइक डली है। पुलिस फौरन हरकत में आई, ड्रोन कैमरे से बांध के चारों तरफ लाश की तलाश की गई। काफी मशक्कत के बाद लाश तैरती हुई मिली। उनकी बॉडी को बांध से निकाला गया। यह सब मयंक जैन का था। पुलिस ने पड़ताल में यह पाया कि मयंक जैन के बाएं हाथ की नस कटी है। एक बैग भी था जिसमें चाकू बरामद किया गया है। साथ ही यह भी खबर है कि घटना वाले दिन मयंक ने अपने पिता से मोबाइल पे बात की थी, उसके बाद ही उसका मोबाइल बंद हो गया था। अब पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों पहलू पर जांच कर रही है। टाइम के पापा वगैरह सबसे बात की, फिर उसके बाद रात तक नहीं आए, कोई रात हुई तो नहीं आए। फिर मोबाइल लगाया, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा, मोटरसाइकिल मालूम नहीं पड़ा, पता पड़ा फिर सुबह उठे। बहरहाल मयंक की बॉडी अब केसली के टड़ा लाई जा रही है, जहां उनके घर मातम पसर गया है। पता चला है कि मयंक की अभी शादी नहीं हुई थी। हां, उसकी सगाई ललितपुर में जरूर हो गई थी, वो भी एक सप्ताह पहले, लेकिन इसी बीच यह खबर आई कि मयंक की मौत हो गई है। परिजन उसकी मौत पर हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। बनाया तो गया है सुसाइड जैसे, मगर अगर किसी ने उसके साथ साजिश की है तो हत्या हो सकती है। सुनने में आ रहा है शादी हो रही थी उसकी। हाँ, उसकी ललितपुर में एक हफ्ते पहले एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, शादी कितनी तारीख को थी? शादी अभी फाइनल नहीं थी, 23 जनवरी की निकल रही थी, अभी फाइनल नहीं हो पाई थी। 23 जनवरी की निकल रही थी। अब मयंक की हत्या हुई है या किसी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद उसने आत्महत्या की है, पुलिस सारी बातों की पड़ताल कर रही है। लेकिन एक पिता का सहारा छिन गया। कहा भी जाता है कि वो पिता बड़े कमजोर होते हैं, जिनके जवान बेटों के जनाजे उनके सामने निकला करते हैं। केसली से योगेश विश्वकर्मा के साथ ललितपुर से संदीप मिश्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज ललितपुर।